इधर हम दो बेडरूम के साथ एक पार्किंग का डिज़ाइन बनाया है, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे इस प्लान को। तो शेयर करने से पहले यहाँ पर हम डोर विंडो, इसका जो डोर विंडो के साथ स्टेयर पार्ट, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और उसके बाद बाकी जो डिटेल है आप देखिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है हमें कार पार्किंग दो बेडरूम, ओके, उसके साथ। तो यहाँ पर हमें डोर ऐड करना है, तो अभी जो यहाँ पर पार्ट है देखिए, यहाँ पर हमें डोर ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 7 फीट हाइट रखेंगे, और इधर भी हम 7 फीट हाइट रख, उसके बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करके इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इधर हमें मिल गया है इसका जो है 7 फीट हाइट का डोर। नेक्स्ट जो बाकी जो पार्ट है यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो इसका विंडो के पहले इसका जो डोर हमें करना है यहाँ पर क्रिएट, ओके, यहाँ पर 7 फीट बाई 3 फीट। नेक्स्ट इधर भी देखिए 7 फीट बाई 3 फीट। दो डोर, दो बेडरूम के साथ हमने दो डोर प्रोवाइड किया है, उसके साथ हमें करना है यहाँ पर 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच। नेक्स्ट इधर भी एक डोर, बाथ एंड लैट्रिन 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच। तो उसको हमें इधर से ऐसे डोर क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो रूम है इसका 7 फीट बाई 3 फीट, इधर भी हमें से डोर क्रिएट करना है। और इसके साथ डोर के साथ भी देखिए यहाँ पर हमें किचन का जो पार्ट है यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट में इसको करना है यहाँ पर ऐड, ओके। तो ऐसे उसके बाद इसका विंडो, विंडो के बारे में हम कहाँ पर विंडो सेट करेंगे देखिए, चलिए उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर 7 फीट हाइट और डेप्थ हम 4 फीट ही रखेंगे। और इधर भी हमें करना है विंडो का पोजीशन ऐड, इसलिए हमें रेफरेंस लाइन यहाँ पर जो है इसको पहले ऐड करना है। उसके बाद बाकी जो 3 है उसको हमें डिटेलिंग है उसको हमें ऐड करना है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर हमें करना है एक विंडो, नेक्स्ट हमें इधर भी विंडो ऐड करना है, और इधर विंडो, नेक्स्ट इधर एक विंडो, ओके। और यहाँ पर जो किचन रूम है इसके लिए एक विंडो हमें चाहिए, और इधर से अगर हम स्टेयर स्टार्ट करेंगे तो इधर भी हमें तो एक विंडो चाहिए। नेक्स्ट रूम के अंदर भी आप विंडो कर सकते हैं, यहाँ पर जो अंदर का जगह है, तो उसके उससे क्या, तो हम यहाँ पर इसका जो है देखिए यहाँ पर विंडो, यहाँ पर विंडो, ऐसे विंडो इधर भी हम ऐड करेंगे, इधर इधर विंडो। तो नेक्स्ट हमें और भी विंडो हम ऐड कर सकते हैं, जो हम एक जस्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम इंटर जो अगर बाहर में अगर विंडो का पोजीशन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसके अंदर भी इसका विंडो ऐड कर सकते हैं ऐसे, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीछे का जो विंडो है इसको हम बंद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें रेफरेंस लाइन यहाँ पर आउट करना है। तो चलिए इसका जो मेज़रमेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसका जो घर का जो मेज़रमेंट है टोटल एरिया इसका देखिए 26 फीट 6 इंच और 37 फीट 8 इंच यहाँ पर मेज़रमेंट। और इसका डिटेलिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे। फर्नीचर यहाँ पर हमने कुछ ऐड किया है, यहाँ पर देखिए एक कार है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूम के अंदर यहाँ पर एक स्टेयर का लिविंग रूम, जहाँ पर दो सोफ़ा हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद देखिए राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो बेडरूम। उसके बाद देखिए यहाँ पर किचन, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथ, दो टॉयलेट, ओके। ये जो यहाँ पर ड्राइंग है और इसका 3D है, इसका हम
एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें कितना मेजरमेंट है, क्या क्या है और कितना डिस्टेंस में है, ठीक है। चलिए उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो बैक साइड जो पीछे का साइड, यहाँ पर 26 फीट 3 इंच एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में 37 फीट 8 इंच एंड राइट साइड में हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है देखिए 32 फीट 8 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम 12 फीट बाई 11 फीट बेडरूम, नेक्स्ट 11 फीट बाई 12 फीट और एक बेडरूम, तो टू बेडरूम बेडरूम। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे इसको, नेक्स्ट इधर प्लेस करेंगे बेडरूम। ओके, तो यहाँ पर बेडरूम जो टेक्स्ट है इसको हमें करना है यहाँ पर प्लेस। ओके, नेक्स्ट कार पार्किंग इधर हमें करना है प्लेस। उसके बाद किचन, उसके बाद टॉयलेट, बाथ एंड लेट्रिन, नेक्स्ट डाइनिंग एंड स्टेयर कम लिविंग या ड्राइंग रूम DWG और प्लस STA स्टेयर एरिया, ड्राइंग प्लस स्टेयर। बाकी जो फ्रंट है यहाँ पर पोर्च एरिया, पोर्च। नेक्स्ट 12 बाई 14 फीट 5 इंच कार पार्किंग एरिया, डाइनिंग एरिया 8 फीट 1 बाई 9 फीट 6, टॉयलेट एरिया 4 फीट 6 बाई 3 फीट 6, यहाँ पर 5 फीट 7 बाई 4 फीट 6, यहाँ पर 8 फीट बाई 7 फीट, नेक्स्ट यहाँ पर 4 फीट वाइड लॉबी एरिया। ओके, नेक्स्ट इधर भी हमें 4 फीट ही मिल रहा है, पोर्च 3 फीट 4 इंच वाइड एंड स्टेयर एरिया 7 फीट 6 इंच एंड 5 फीट 10 इंच, यहाँ पर एरिया यहाँ पर 3 फीट बाई 3 फीट वाइड ट्रेड, स्टेयर ट्रेड एंड इसमें कॉलम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, टोटल 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर्स कॉलम हमने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, तो टोटल जो बिल्डिंग स्क्वायर फीट 26, हम एक यहाँ पर देखिए 26 बाई 38, टोटल 988 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन। तो इसके साथ हम 1450 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में हम खर्चा इसके साथ ऐड करके 14,32,600 रुपीस हमें मिल रहा है। तो ये जो प्लान है इसको हमने दो बेडरूम के साथ कार पार्किंग डाइनिंग लात लैट बाथ एंड टॉयलेट किचन स्टेयर ड्राइंग रूम यहाँ पर ऐड किया है।